तो स्टार्ट करते हैं। कारण बीमार करने की। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय द न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग, आए हो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी अभी सो के उठा हूँ और मौसम ठीक ही हो रहा है, बारिश तो नहीं हो रही अभी, ठीक है। तो पहले फ्रेश फ्रेश हो जाता हूँ और नहा धो लेता हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगा। आगे वीडियो में बने रहना, आपको दिखाता हूँ क्या क्या करने वाला हूँ छुट्टी के दिन में और कहाँ जाने वाला हूँ मैं आज। और अभी फ़िलहाल नाश्ता बन रहा है, ठीक है। सो पहले नहा धो लेता हूँ अच्छे से, फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर हम बाहर जाएंगे, दिखाते हैं आपको। और आज मेरे को लग रहा है कि मुझे को हिजामा भी कराना है, बॉडी का डिटॉक्स कराना है। तो दिखाऊंगा कैसे बॉडी हिजामा होता है, कैसे डिटॉक्स होता है, क्या बेनिफिट होते हैं उसके। चलते पहले नहा धो लेता हूँ, काफ़ी खुजली लग रही है सर में। चलिए सो गाइस, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब करते हैं नाश्ता। नाश्ते में है आज दाल का पराठा, चार और दूध। चलो करते हैं नाश्ता, दिखाते हैं आपको कैसा लगता है पराठा, कैसे बनाया है। सो गाइस, नाश्ता हमने कर लिया है, अब चलते हैं सीधा हिजामा कराने के लिए, क्योंकि जहां हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी हिजामा की, वो डॉक्टर साहब हमारी वेट कर रहे हैं। तो चल के दिखाते हैं आपको उनके पास और बताते हैं क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या रहने वाला है जामा में और कैसे होने वाला है। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, दिखाते हैं आपको आगे के ब्लॉक क्लिनिक पे जाके। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक में हिजामा कराने के लिए और आपको दिखाते हैं क्लिनिक। और ये सब हिजामा की पिक्चर्स लगी हुई है, आप देख सकते हो, हेड, बैक, 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 हेड, सब के हिजामा होते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं। और मैं मिलवाता हूँ आपको डॉक्टर साहब से। तो हमारे डॉक्टर साहब ये रहे। तो डॉक्टर साहब कैसे हो? बताए बस, चले स्टार्ट करें। तो आप किस पर्पज से कराना चाहेंगे, नेचुरल या फिर कोई दिक्कत या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? मेरे ना बैक में प्रॉब्लम है, आपको पता भी है मेरे बैक में प्रॉब्लम है। बाकी अब यही है, नेक की ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को, कि नेक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो कंफर्टेबल हो जाओ, आगे हाथ पकड़ लो, आगे कर लो, आगे आँख बंद कर लो। ठंडा डॉक्टर साहब, मैं ना ये जो एरिया है ना, इसमें अभी भी पेन है, जैसे बताया था मैंने, ये हाँ पूरे से ये इतने एरिया में ठीक, थोड़ा सा ना गर्दन होगा, हाँ ये
सो गाइज हमने पॉइंट टू पॉइंट ड्राई कपिंग कर दी है जिससे कि इनको सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो भी उसमें भी आराम मिलेगा, वो भी ठीक हो जाएगी। और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स और टोटल जितनी भी ब्लड में सेल्स काम करती हैं सब बिल्कुल एकदम प्योरिफिकेशन पे आ जाएंगी और टोटली बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी जिससे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और एंजाइटी या फिर मैं बोलूँ कि स्ट्रेस वगैरह जो भी होती है वो भी बिल्कुल एकदम माइंड फ्री हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी होगा तो वो भी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको वेट कपिंग भी कैसे होती है। अभी हमने ड्राई कपिंग की है तो टॉक्सिन को हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, माइनर कट देंगे जिससे कि टॉक्सिन वॉश आउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल माइनर कट है, जो अपर स्किन होती है पेपर स्किन सिर्फ उसी पे लगता है जिससे कि कोई इशू नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। और जो टॉक्सिन इकट्ठा होता है ड्राई कपिंग से वो वॉश आउट अच्छे तरीके से हो जाता है। एक मिनट रुकना, उधर चालू है वो नीचे वाला माइक, माइक नीचे वाला माइक चालू। पेन है या बैक एक है, जो भी परेशानी है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी और आप अभी रिलीफ महसूस करेंगे। निशान वगैरह ये निशान तो पर मिनट मतलब ठीक होते चले जाते हैं एवरी मिनट। हार्डली कितने दिन में ठीक हो जाएगी? 3 days ओनली, ठीक है। अपनी अपनी बॉडी की रिकवरिंग पावर पर डिपेंड होता है कि कितनी जल्दी रिकवर कर रही है बॉडी। किसी किसी का तो 1 घंटे में बिल्कुल रिकवर हो जाता है, किसी किसी का 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम 3 days ओनली। और जैसे सर में भी करते हैं, फेस पे भी करते हैं, उसमें भी सेम ही होता है? हाँ, फेस पे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है क्योंकि यहाँ तो हम मतलब सर्जिकल ब्लेड से माइनर कट दे रहे हैं, वहाँ नीडल से देते हैं। अच्छा अच्छा, जो बहुत बारीक होती है मतलब 26 नंबर एग्जैक्ट होती है उसका साइज। हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दिखाते हैं आपको टॉक्सिन क्या होता है, ठीक है।
ऑप्शन होता है, और जहाँ टिश्यूज जो होते हैं मसल टिश्यूज, जितना टॉक्सिन वॉश आउट करेंगे उतना ही निकलेगा, तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होता है, ये दिखाते हैं आपको। सो गाइस जब हम कर रहे हैं टॉक्सिन वॉश आउट, दिखाते हैं आपको क्या होता है टॉक्सिन। सो ये होता है टॉक्सिन जो बॉडी को मतलब बीमार करने में या फिर परेशानी पहुंचाने में, सर्वाइकल पेन पहुंचाने में कारण बनता है। सो गाइस अब हम आपको वो टॉक्सिन दिखाते हैं जो बॉडी को बीमार करने में कारण, बीमार करने के लिए कारण होता है, या फिर सर्वाइकल का कारण बनता है, या बैक एक का कारण बनता है, या कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। तो बहुत सारी परेशानी होती हैं इस टॉक्सिन की वजह से, जो हम वॉश आउट कर देते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और रिकवरिंग पावर बढ़ जाती है और बॉडी यानी शरीर हमारा कम बीमार पड़ता है। सो गाइस कंप्लीट हो गया है मेरा हिजामा और काफ़ी बेनिफिशियल लगा मेरे को, क्योंकि कराते ही मेरे को जो रिलीफ मिला है ना बॉडी के अंदर, जो पेन था उसमें ही काफ़ी रिलीफ मिला है और बॉडी एकदम हल्की हो गई है। और बाकी काफ़ी काफ़ी बॉडी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी कराते हैं इसको बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, और काफ़ी बेनिफिट है इसके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप समझ बता मैं तो बता नहीं पाऊँगा, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। और अगर किसी को कराना है आप आ सकते हैं लोनी गाज़ियाबाद में, ये इनका क्लिनिक है। और अराउंड कितनी फीस लगेगी डॉक्टर साहब इसकी? अगर हमारे पास ना 3 टाइप ऑफ कपिंग थेरेपी है। एक कपिंग थेरेपी है 65 रुपीज़ पर कप, और एक है 100 रुपीज़ पर कप, एक है 120 रुपीज़ पर कप। उसमें जैसे जैसे रेट है ऐसे ऐसे स्पेशल थेरेपी है। तो काफ़ी बेनिफिट है सारी जितनी भी थेरेपी है आप कराओ, मैं तो एक बार आपको रिकमेंड करूंगा, ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर के टॉक्सिन जो गंदगी होती है ना सब निकल जाती है इससे, ठीक है। और बस यही था, और बाकी बताता हूँ मैं, अभी तो ठीक लग रहा है, आगे कैसा लगता है मेरे को, आगे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। सो गाइज व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।